नमस्कार मित्रों, आपका सुशील ज्ञानवाणी में स्वागत है। इन दिनों अंग्रेजी की कक्षाएं लगातार चल रही हैं और प्रेजेंट परफेक्ट तक हम पहुंच गए हैं, उसका इंडिफिनिट पढ़ा दिए हैं। आज निगेटिव की बारी है और आइए निगेटिव देखते हैं, साथ साथ इसका परिचय और चित इसके पहले वीडियो में बता दिए हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव लगाई जाती है। आइए एक एग्जांपल्स के तौर पर इसको हम देखते हैं। वह घर नहीं गया है, अंत में या है, यही उसकी पहचान होती है। ही हैज नॉट, He has not, वर्ब क्या है? गया, गया मतलब जाना, जाना के लिए जी गो वेंट गॉन। He has not gone to home. हैज नॉट गॉन टू होम। अब इसका कहो तो हमें एक फार्मूला थोड़ा लिखा दे, किसके बाद क्या लगेगा, बस चलो लिख लेते हैं। अच्छा लिख लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैज नॉट साथ साथ लिख लेते हैं या हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस अदर, ये तो इसका नियम हो गया। एक फार्मूला सूत्र के रूप में इसके एक लाइन लिख देते हैं, उसके बाद दो एग्जांपल्स बता देंगे। ठीक, आइए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक सूत्र जो कहा जाता है ऐसा होता है, देखो बच्चों, सब्जेक्ट ठीक प्लस हैड नॉट दे रहा ना प्लस थर्ड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक एक स्पेलिंग एकदम सही लिखिएगा, बाहरी मीनिंग अब नहीं आती है इसमें, सब वही पुराने मीनिंग, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव, बस वही सब है। एक आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तुम सब हिंदी नहीं